ये हुडी भी मेरे को कम पड़ रहा है और अब मैं लिटरली विलेज लाइफ एंजॉय करने वाली हूँ आज से। सो गाइस आप भी ऐसे ही रहें। गुड मॉर्निंग, आज है 13 जनवरी 2022। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सो गाइस आई एम रेडी, अभी टाइम हुआ है सुबह के 7 बजे और मैं जा रही हूँ आज घर और मैंने सारी पैकिंग कर ली है और ये सारा सामान मेरा पैक हो चुका है। अब घर में बहुत ठंड हुई तो वुलन ज्यादा पहनने होंगे ऑब्वियसली। सो चलिए, मेरी कैब गाड़ी बाहर खड़ी हो चुकी है, अब चलती हूँ और रोड ब्लॉक है, कहाँ से जाऊंगी कहाँ से नहीं जाऊंगी वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सो अब आप डेली व्लॉग देखोगे घर के। सो चलिए, कुछ दिनों के लिए आपको पहाड़ों में लेके जाऊंगी। सो चलिए चलिए, आर यू एक्साइटेड? ऑब्वियसली यू गाइज आर एक्साइटेड, घर की वीडियोज आप बहुत पसंद करते हो। सो लेट नहीं होते हुए चलती हूँ और आपके साथ शेयर करूंगी अपना पूरा जर्नी। ओके गाइस, मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हुआ था 6:30-7 बजे के करीब और उजाला होने वाला था और मुझे जाना था पंचकुला बस स्टैंड और मैं फाइनली पहुंच चुकी थी। यहाँ देख लीजिए, ये है ओल्ड पंचकुला बस स्टैंड और यहाँ पर मैं बस में बैठ गई थी। और आजकल आपको बताऊं गाइस, अगर आप जो भी हिमाचल आने वाले हो प्लीज प्रिपेयर होके हिमाचल आइए और कोविड की इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करिए, क्योंकि अपने लिए आपको अपने आप को सेफ रखना है, अपनी फैमिली को सेफ रखना है तो इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होगी। यहाँ देख लीजिए, मैं पहुंच गई थी सोलन, ये है सोलन बस स्टैंड और मैं आपको थोड़े थोड़े से क्लिप शेयर कर रही हूँ क्योंकि काफी ठंड लग रही थी जैसे जैसे मैं अपर की ओर आ रही थी, मतलब अपर हिमाचल की ओर। और यहाँ देख लीजिए, बस स्टैंड पहुंचे थे सोलन और आपको बताऊं स्नोफॉल के कारण हमारे यहाँ अपर हिमाचल रामपुर किन्नौर के लिए 2 वे जाते हैं, एक लॉन्ग रूट है एक शॉर्ट रूट है, तो देखते हैं कौन सा खुला होगा। और यहाँ मैं पहुंच गई थी शिमला, पहाड़ों की रानी, और यहाँ पर देख लीजिए इतनी पॉपुलेशन हो गई है जो पहले के कंपैरिजन है, अभी इतनी ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होती है बट स्नोफॉल काफ़ी हुई थी यहाँ। और फाइनली मैं वाया लक्कड़ बाजार होते वाया नारकंडा रामपुर के लिए आ रही थी और मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी कि नारकंडा रोड जो है वो ओपन हो चुका है और फाइनली मुझे बसेस भी वहाँ से अलाउड हो गई थी, अच्छे से मिल गई थी, अलाउ हो गई थी जाना नारकंडा से। सो मैं चल पड़ी थी और यहाँ देख लीजिए आप कितना ब्यूटीफुल व्यू है, ये है लक्कड़ बाज़ार। यहाँ पर अभी भी स्नोफॉल बहुत अच्छे से थी और बहुत सुंदर लग रहा था, सभी जो लोकेशन का हर लोकेशन का यही हाल था। यहाँ देख लीजिए रोड्स किस तरह से क्लियर किए हैं और हैट्स ऑफ टू ऑल द जो HRTC वाले हैं, जो भी ड्राइवर है सभी बहुत केयरफुली यहाँ पे बसेस चला रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ मैंने लोकल रूट की बसेस ले ली थी। चलिए दिखाती हूँ व्यू आपको। सो गाइज, ये है कुफरी का व्यू और लुक एट द माउंटेन्स एंड ऑल द नेचर, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर गाइज जो भी आउटसाइडर आते हैं आउट ऑफ हिमाचल, स्पेशली जो अपर हिमाचल वाले हैं, हमें इतना नॉलेज होता है कहाँ पे स्टिक स्किट होगी कार कहाँ नहीं होगी। और यहाँ देख लीजिए, अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये है नारकंडा। नारकंडा बहुत ही हाइट में पड़ता है, यहाँ एटलीस्ट 4 to 5 feet जो बर्फ पड़ी थी। और गाइज यहाँ देख लीजिए कितना ब्यूटीफुल है और लिटरली गाइज यहाँ पर स्किट होने के इतने चांसेस है, मैं इसीलिए आपको ये रोड दिखा रही हूँ। जो भी आउटसाइडर आते हैं प्लीज बी केयरफुल, आप अच्छे से ड्राइव कीजिए। यहाँ देख लीजिए, अभी तो प्रॉपर दिन को धूप लगी थी तो जो आइस थी वो पिघल गई थी, बट यहाँ पे रोड तो ओपन हुआ था बट बहुत स्कैरी था गाइज। सो इसी तरह से हम निकल गए थे और यहाँ पहुंच गए थे हम नियर रामपुर। और यहाँ लग रहा है जैसे कि आपको पता है NJPC
नाथपे जाखड़ी प्रोजेक्ट भी है, और अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन हो रहे हैं, और यहाँ लग गया था जाम और मैं हो गई थी लेट। और यहाँ देख लीजिए अराउंड 6 o'clock में पहुँची रामपुर। ये है रामपुर ओल्ड बस स्टैंड, और पापा मुझे लेने आ गए थे और मैं बहुत लेट हो चुकी थी ट्रैफिक के कारण। सो हाय एवरीवन, और अभी टाइम हुआ है 7 o'clock के अराउंड, और मैं अभी अभी पहुंची हूँ, पापा को लेने आना पड़ा गाँव से। और लिटरली आई एम टू टायर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रात में पहुंची हूँ। सो गाइस चलिए करती हूँ आपके साथ जर्नी, अभी यहाँ से गांव जाना है और काफी ठंड है यहाँ पे, मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। फाइनली गाइस मैं पहुंच गई थी घर, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बहुत सारा शूट कर पाऊँ। मैंने सोचा फैमिली को तो आपको बाद में मिला लूंगी, सो यहाँ चली थी। लोहड़ी की तैयारी शुरू हुई थी, पहले भैया और मम्मी बना रहे थे, पापा मुझे लेने आ गए थे, और यहाँ पे हम बना रहे थे चूड़े। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। और आग की रसोई में, आग में हम इस तरह से शाम को प्रिपेयर करते हैं सारे पकवान, और बिल्कुल जूठा नहीं करते। और मॉर्निंग में 4-5 o'clock के अराउंड हम भगवान जी को उनको छोड़ते हैं, मतलब देते हैं, पूजा करते हैं, और बहुत प्रोसेस होती है उसकी पूजा की भी। एक मुझे टाइम लगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी 11 बजे के अराउंड तक हम ये सब बना रहे थे, यहाँ देख लीजिए ऑलमोस्ट रेडी था सारा कुछ। अभी इसे जूठा नहीं करना होता है, और हमें 11:30 तक मैं इसी में लगी रही, और मैं बहुत थक चुकी थी और मैं सोने चली गई थी। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आज मेरी फर्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे घर पे। बहुत बहुत ठंड है, थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल अभी भी रही है, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में। सो मैं जाने वाली हूँ नीचे आग वाली किचन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है जैसे आप देख सकते हो। फिर मिलते हैं आपसे, ये है अर्ली मॉर्निंग, और जो भी मेरी पहाड़ी है, हैप्पी साजा टू ऑल। और मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे पूजा हो जाती है, और सारा आज हमारे जो भगवान जी होते हैं वो भी आसमान को चल जाते हैं। चलो मिलते हो थोड़ी देर में, तब तक एंजॉय कीजिए, दिखाते हो आपको अभी तक स्नोफॉल है। सो देख लीजिए, ये है मेरा बैक साइड, घर के बैक साइड का व्यू, और अभी तक स्नोफॉल है, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। सॉरी मैं सुबह भी उठ नहीं पाई, रात को लेट सोई थी, थक चुकी थी ट्रैवल करके, सो मेरी मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई है। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, तो मुझे तो लग रही है बहुत बहुत ज्यादा ठंड, तो मैं सुबह नहीं उठी थी, मम्मी उठे थे। ये है यहाँ पर चूड़े पोल्लू। आज सुबह सुबह क्या होता है, हमारे जो देवता जी होते हैं वो आसमान को जाते हैं, और आज मंदिर वगैरह सारे बंद हो जाते हैं ना, तो अब मैं अभी हूँ गैस वाली किचन में, और आग वाली किचन में आग जलाई है, और बहुत बहुत ठंड है गाइस आजकल। सो मेरी मॉर्निंग हो रही है पोल्लू खाने से। सो अब क्या करना है मुझे, अब मैं थोड़ी देर में चाय पी के, मुझे कुछ भी नहीं करना है क्योंकि मुझे रेस्टिंग पे रखते हैं जब मैं घर आती हूँ। सो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और मैंने आपको बता दिया बहुत ठंडा है यहाँ पे, और मेरे जस्ट ये हुडी भी मेरे को कम पड़ रहा है, और अब मैं लिटरली विलेज लाइफ इंजॉय करने वाली हूँ आज से। सो गाइज आप भी ऐसे ही रहना, और हैप्पी लोहड़ी। और मैं सीरियसली गाइज कल आई, उसके बाद हम ये पोल्डू वगैरह बनाने लगे, पोल्डू बोलते हैं हमारे। उसके बाद मुझे 11:30 बज गए थे, तो अर्ली मॉर्निंग मुझे नहीं उठाया मम्मी पापा ने, और जो पूजा वाला वो चीज़ें होती है वो मैंने मिस कर लिया। सो चलिए कुछ इस तरीके के मनाते हैं पर हिमाचल में हमारे लोहड़ी। सो हैप्पी लोहड़ी, और पंजाब में कुछ अलग तरीके से मनाते हैं, डेफिनेटली जब मुझे मौका मिले मैं वहाँ की भी दिखाऊंगी आपको। सो चलिए करती हूँ वीडियो लोहड़ी व्लॉग एंड, और होप करती हूँ आप ऐसे एंजॉय करोगे, और स्टे ट्यून टू माय चैनल, और विलेज व्लॉग बहुत अच्छा आने वाले हैं। सो ओके गाइस मिलती हूँ, ये ही व्लॉग मेरा कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट। अगर मेरा व्लॉग थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, और भी ये बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं। ओके बाय गाइस, टेक केयर।